नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बिहार में चुनावी पिच पर सियासत का मैच अपने शबाब पर पहुंच चुका है। छपरैया भाईजान का वोट मीटर कितना हाई है, इस बार एम फैक्टर कितना उलटफेर कर सकता है, ये जानने के लिए हम आपको छपरा लेकर चलेंगे। वो छपरा जहां से लालू प्रसाद ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, जहां के सियासी तापमान को देखकर लोग बिहार के मूड की थाह लगाने की कोशिश करते हैं, उसी छपरा से आज देखिए मोदी, मुसलमान और महासंग्राम का ये स्पेशल एपिसोड। ये लोग दंगा फसाद कराना चाहता है, हिंदू मुसलमान में लड़ाना चाहता है। कोई देशवासी न देश को झुकने देना चाहता है, न देश को पटने देना चाहता है। आप किसके बनेंगे भाईजान? अभी तो हम तो नीति चाचा को ही बन सकते हैं। किस मुद्दे के बनेंगे भाईजान? विकास के मुद्दे पर हम बोलते हैं। तेजस्वी ने माफी मांगी है तो इसलिए हम इस बार देंगे। छपरा हिलता है तो बिहार की सियासत में भी भूचाल आता है। छपरा में सियासत का पहिया घूमता है तो लालू जैसे महाशत्रपों का भी किला ढह जाता है। लालू से लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण तक और भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर से लेकर भारतीय राजनीति के अजात शत्रु और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक की पवित्र भूमि रही छपरा की सरजमी एक बार फिर सरगर्म हो गई है। छपरा के सियासी मुकद्दर पर फिर से यहां के बाशिंदों की मुहर लगने जा रही है। हिंदू हो या मुसलमान, यहाँ का हर शख्स छपरा की तकदीर बदलने के लिए पिछले 70 साल से दुआएं मांग रहा है। मुसलमान की बेटी ने रोजा रखा तो हिंदू के बेटे ने व्रत रख लिया, खुदा खुश, ईश्वर खुश, धर्म के ठेकेदार नाराज हो गए। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के छपरा विधानसभा क्षेत्र में। आज हम यहाँ जानेंगे कि आखिरकार यहाँ का एम फैक्टर क्या कहता है। छपरा का नाम आते ही सबसे पहले संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का नाम जुबान पर आता है। जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा छपरा विधानसभा में ही है। वक्त का पहिया घूमा तो लोग सिताब दियारा और संपूर्ण क्रांति को तो धीरे धीरे भूलने लगे, लेकिन छपरा में रेल का पहिया घूमने लगा। छपरा में रेल इंजन और रेल के पहिए बनाने का बड़ा कारखाना है। वक्त बदलने और बार बार सत्ता बदलने के बाद छपरा में विकास का पहिया कितना घूमा, कहां पहुंचा? छपरा में इस बार किसकी चुनावी छाप है, मोदी नीतीश की जोड़ी की या लालू के लाल की? छपरा का मुसलमान इस बार किस तरफ है? यह छपरा का खनुआ बाजार है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, शायद इसको यहाँ ये नान रोटी कहते हैं। अच्छा जिलानी साहब, ये बताइए, अभी लॉकडाउन था पूरा जी, तो कैसा चल रहा था धंधा? धंधा ही सब चौपट था सर, अब भी जो धंधा भी खुला हुआ है, थोड़ा दुकानदारी बढ़ा हुआ, फिर सुनने में आ रहा लॉकडाउन होने वाला है सर। अच्छा ये बताइए, वोट करते हैं आप लोग जी? हाँ, तो जब वोट देने जाते हैं तो दिमाग में क्या मुद्दा होता है, क्या सोच कर वोट डालते हैं? वोट तो सर पर्सनल मुद्दा होता है सर, मतलब यही होता है, थोड़ा विकास बढ़ जाए तो अपना विकास जो है अपना विकास वास थोड़ा हो जाए। मजहब के नाम पे भी जाते हैं? नहीं सर, ये तो कभी नहीं, अपना जो नेता होता है उस पे दिया जाता है, कोई भी नेता हो, अपना विधायक कैसा है उस पे दिया जाता है। अच्छा ये बताइए, अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो आपको क्या लगता है? आपने कहा कि आपके लिए मुद्दा विकास होता है, तो आपने जैसा सोचा था वैसा विकास हुआ है क्या? नीतीश कुमार रोड के विकास तो सर अच्छा है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो आप लोग वोट करेंगे उनके लिए? वोट सर अपना मुद्दा है भाई, पर्सनल एती है, ऐसे अपना नीतीश कुमार के सपोर्ट है चाचा का, कभी भी उनके लिए कभी भी हम लोग सपोर्ट है, विकास उनका अच्छा है। लेकिन ये बताइए, ये कहा जाता है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं जी, और लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करते, ऐसा कहा कहते हैं लोग? देखिए चाचा, ये सोच का ऊपर है, कुछ भी कोई सोचता है उनके लिए है। अब विकास की मामला में अभी नीतीश कुमार हमारा बिहार का सरकार है, ठीक है, नीतीश कुमार बिहार के लिए मतलब रोड का मामला सही है उनके लिए, पढ़ाई का मामला सही है, अभी जो चौपट हुआ है बिजनेस अपना। धर्म और जाति के नाम पर वोट देना मजहब नहीं सिखाता।
छपरा के मुसलमान नीतीश से नाराज नहीं हैं, लेकिन कारोबार की खस्ता हालत को लेकर परेशान दिखते हैं। खनवा बाजार के ही नौशाद भाई जैसे मुसलमान जब ये कहते हैं कि वो मजहब के नाम पर नहीं बल्कि अच्छे नेता के नाम पर वोट देते आए हैं, तो छपरा की तहजीब का सीना और चौड़ा हो जाता है। साथ भाई वोट करने के लिए आप जाते हैं, कि इल्जाम आता है मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमान जो है वो वोट करते वक्त सिर्फ मजहब का ही ख्याल रखते हैं और कोई मुद्दा नहीं होता, इस बात में इस दावे में कितनी सच्चाई है? ये मुद्दा सिर्फ भाजपा का है और मुसलमान कैंडिडेट देखता है और विकास देखता है, जो विकास करता है उसको वोट देता है। यहाँ जो जातिवाद और धर्मवाद की बात कही जाती है वो गलत बात है, मुसलमान हमेशा विकास के लिए वोट देता है और अच्छे नेता चुनता है। ये बताइए पिछली बार किसे चुना था आपने? पिछले बार हम लोगों ने यहाँ सीएन गुप्ता जी को चुने थे जो भाजपा के कैंडिडेट थे, और इस बार भी भाजपा ने उन्हीं को टिकट दिया है। तो आपका क्या ख्याल है, आप किस मुद्दे पे वोट करने जाएंगे? छपरा के विकास के मुद्दे पे। किस मुद्दे के बनेंगे भाई साहब? विकास के मुद्दे पे हम वोट देंगे। तो ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान कहता है कि हम विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। छपरा में इस बार मुकाबला बीजेपी के मौजूदा विधायक डॉक्टर सी एन गुप्ता और महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के रणधीर कुमार सिंह के बीच है। 2015 में बीजेपी के डॉक्टर सी एन गुप्ता ने आरजेडी के रणधीर सिंह को 11,000 वोटों से हराकर इस वीवीआईपी सीट पर कब्जा जमाया था। उससे पहले 2014 के उपचुनाव में आरजेडी के रणधीर सिंह जीते थे। 2010 में यहां बीजेपी जीती, जबकि 2005 में जेडीयू और साल 2000 में आरजेडी ने अपना झंडा गाड़ा था। छपरा में कभी कोई एक पार्टी लगातार सत्रप नहीं रही, इसलिए इस बार भी मुकाबला कड़ा है। छपरा में इस बार किसका जलवा छाया हुआ है, खनवा बाजार के मुस्लिम भाइयों से बेहतर इसे कोई नहीं जानता। ईमानदारी से बताइए, वोट करने जाते हैं तो दिमाग में मजहब की बात होती है या नहीं? जी नहीं, कोई मजहब की बात नहीं होती है, क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते जो माहौल इतना गंदा कर दिया गया है कि किसने किया माहौल गंदा? राजनेताओं ने किया। कौन से राजनेता ने? अब कौन सी पार्टी के नेता? वजह यह है कि मैं किसी भी पार्टी को इल्जाम नहीं दूंगा, बस ये कहूँगा कि जो भी पार्टियाँ हैं वो कुछ इस टाइप के आदमियों को लाती हैं जो समाज सेवा के लिए नहीं होते, वो अपने पैसे के बल पर या अपने बाहुबल के ऊपर वो किसी पार्टी में इन कर जाते हैं और वो जाने के बाद वो ये सारी चीज़ें फैलाते हैं, पोलराइज किया जाता है। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले यहाँ इन्होंने बताया कि भाई ओवैसी वहाँ से यहाँ खड़े क्यों हो रहे हैं, तो भारत है, यहाँ हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो कहीं भी रह सकता हो राज्य सरकार में, ठीक है। इसके पहले का जो उनका था वो काम हुआ है, रोड बनी है, इलेक्ट्रिसिटी आई है, लड़कियों को साइकिल मिली, लेकिन ये 5 साल जो हुआ है उनका वो एकदम ही ख़राब हुआ है। ना तो उन्होंने कोई विकास का काम किया, शराबबंदी देखने के लिए है। तेजस्वी ने माफ़ी मांगी है कि अगर जो मुझसे गलती हुई है उसको हमको सुधार का मौका दिया जाए, तो इसलिए हम इस बार देंगे। तो अजमल भाई ने बिल्कुल साफ किया है कि ये किनके भाईजान बनेंगे, इस बार बता दिया इन्होंने। लालू प्रसाद से लेकर राजीव प्रताप रूढ़ी तक का गढ़ रहे छपरा में इस बार माहौल बहुत टाइट है। अजमल जैसे मुस्लिम वोटरों की माने तो एनडीए उम्मीदवार को महागठबंधन से तगड़ी फाइट मिल रही है। ऐसे में छपरा के दूसरे मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर वोट मीटर नापना भी जरूरी था, तो हम खनवा बाजार से सीधे हथुआ बाजार पहुंचे। इस वक्त हम छपरा के हथुआ मार्केट में मौजूद हैं अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर यहाँ का मुसलमान किस मुद्दे पे वोट डालेगा, क्या है यहाँ का एम फैक्टर। आइए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, यही दुकानदार हैं, इस मार्केट में इनकी दुकानें हैं। सर आपका नाम क्या है? जी सागर नौशिरवान। नौशिरवान साहब ये बताइए कि अभी चुनाव का माहौल है, 2-4-5 दिन में आपके यहाँ मतदान होना है, मुद्दे क्या होंगे आपके? सबसे बड़ा मुद्दा जो है पूरे बिहार में गूंज रहा है, 15 साल से जो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है वो पूरी तरह से नाकाम है, किसी भी मोर्चे पर यह सरकार सफल नहीं है, और
बेरोजगारी का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है। कौन करेगा ये? फिर जो चीज़ें छूट गई ये कौन करेगा? कौन दिख रहा है आपको? जो आने वाले युवा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जिनको जनता देख रही है उनका नाम तेजस्वी जी है, तेजस्वी यादव हैं। जो भी 18 महीने इनके साथ वो भी तो थे सरकार में। जी सरकार में वो थे, उन्होंने काम काफी कुछ किया है। हमारे छपरा में उन्होंने एक डबल डेकर पुल देने का काम किया। बिहार में सबसे लंबे डबल डेकर पुल को लेकर भी छपरा में सियासत गर्म है। आरजेडी इस पुल का श्रेय डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी यादव को दे रही है। छपरा में हार जीत को तय करने में ये मुद्दे भी अहम होंगे, लेकिन बाकी मसलों पर छपरा के मुसलमानों का रुख क्या है, उनके मन में कौन है? हथुआ बाजार में हमने इसे भी उन्हीं की जुबानी सुना। लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस वक्त काम धंधा चल रहा था? नहीं चल रहा था। तो घर परिवार कैसे चल रहा था? कर्जा लेकर खा रहे थे। सरकार की तरफ से वही चावल मिल रहा था। चावल मिल रहा था? कितना चावल मिल रहा था? वही आदमी पर 4 किलो। एक हफ्ते में या एक महीने में? एक महीने में। कितने लोग हैं घर में आपके? घर में हैं हम लोग 8 परिवार। तो 32 किलो चावल एक महीने में मिला। सिर्फ चावल मिल रहा था? चावल बेसी मिलता था, गेहूँ कम मिलता था। दाल वगैरह भी मिल रहा था? दाल 1 किलो। 1 किलो कौन सी दाल मिलती थी? चने की दाल। अच्छा कुछ पैसे भी मिले थे? शुरू में 500 रुपया लेडीज के लोगों के खाते पर आया था। अच्छा। 500। कितने महीने आया? एक ही बार आया? एक या दो बार आया। अच्छा ये बताइए, तो परेशानी तो बहुत हुई होगी आप लोगों को लॉकडाउन में। अब चुनाव का वक्त आया तो वोट करने जाएंगे तो दिमाग में कौन सा ख्याल होगा वोट करते वक्त? ख्याल क्या आएगा, सरकार देखिए अब बदलता है कि वही सरकार रहता है। नहीं, नहीं, लेकिन अभी तक ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन से मुद्दे पे वोट देंगे। हालांकि इनका भी शायद यही कहना है कि विकास का ही मुद्दा होगा, जो सरकार इनके बारे में सोचेगी उसके तरफ ये मतदान करेंगे। छपरा सीट के चुनाव को लेकर लोगों की दिलचस्पी हमेशा से बहुत ज्यादा रही है। इस हाई प्रोफाइल सीट के नतीजों की बात करें तो पिछले 5 चुनावों में यहां एनडीए का ही पलड़ा भारी रहा है। आरजेडी को सिर्फ एक बार 2014 के उपचुनाव में कामयाबी मिली है, जबकि बीजेपी और जेडीयू ने 2-2 बार जीत हासिल की है। इस बार मुस्लिम तबका किसकी जीत की दुआएं कर रहा है, ये जानने के लिए हम पहुंचे काजी मस्जिद। काजल को हिंदू, सुरमे को मुसलमान बना डाला, ना जाने हिंदुस्तान में ये किसने भारत पाकिस्तान बना डाला। इस वक्त हम मौजूद हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र के महमूद चकमे चौक की काजी मस्जिद में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जब आप वोट डालने जाते हैं तो क्या मुद्दा मजहब का होता है? मुद्दा मजहब का नहीं होता है। क्या मुद्दे होते हैं? मुद्दा होता है प्रोग्रेस का, अथी का मुद्दा होता है कि हमारा विकास का, कि तरक्की करे। एक चुका देख लिया गया है, फिर उनको भी देखा जाएगा। तो 15 साल उनके पहले तो उनका भी राज था। हाँ, तो उनका था मगर वो लालू थे, अब तो उनका लड़का है। तो मतलब आपको लग रहा है कि लालू से बेहतर है उनके लड़के? हाँ बेहतर है, बेहतर है। कभी बिहार के चुनाव का मीटर MY की सुई को देखकर तय होता था, बिहार में ये समीकरण अब भी मजबूत है। लेकिन छपरा में M फैक्टर का कितना असर है और मुसलमान किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं, इसकी बेहतर पड़ताल चौक और बाजारों से ही हो सकती है। इसलिए हम पहुंच गए छपरा के महमूद चौक। लॉकडाउन में बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है? हाँ। है? बहुत बुरा हाल है। धंधा पानी मेरा कार्ड था कैंसिल हो गया। किस चीज का कार्ड? राशन कार्ड था कैंसिल हो गया। इस बार तो और लोगों के बन रहे हैं, आपका कैंसिल हो गया? जी वो कैंसिल हो गया। क्यों? इसलिए अब वार्ड कमिश्नर जाने या सरकार जाने, है ना। इसमें इस बार वोट में क्या ख्याल है?
वोट में अभी सर हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, जो जैसा पार्टी होगा उस तरह का हम लोग देखेंगे। अच्छा ये बताइए कोई मन में विचार है कि किसके भाईजान बनेंगे आप? विचार हम आपको जाहिर नहीं कर। बिहार के चुनाव में इस बार भी जात है, पात है, मजहब है, विकास की बाढ़ जोते लोगों की सूनी आंखें हैं। उम्र से भी लंबी शिकायतों की सड़कें, तकलीफों के मोहल्ले। हम मुसलमानों के दिल की आवाज को सुनने के लिए छपरा के ऐसे ही एक मोहल्ले दहियावा में पहुंचे, जिसके बारे में कहा जाता है कि कभी इसी इलाके में दधीची ऋषि का महान आश्रम था। इस वक्त हम महमूद चौक के पास ही, वहां से आगे निकलने के बाद एक जगह है दहियावा, वहां पे हैं। एम फैक्टर देखिए जो शुरू से चला आ रहा है, MY फैक्टर जो चला आ रहा है वो है। एक इल्जाम है आप लोगों के ऊपर कि वोट देते वक्त ये विकास, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, सुरक्षा इनसे कोई मतलब नहीं होता। क्यों नहीं, जो एजुकेटेड होगा वो सब पर ध्यान में रखने के बाद ही वोट कास्ट करेगा। नहीं तो अच्छा ये बताइए आप, अभी जो वर्तमान सरकार है इससे आप कितने मुतमईन हैं? इससे तो मुतमईन ही है, क्योंकि इसमें भी वर्क हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि जो मतलब नीतीश कुमार के टाइम पे। हाँ वही तो हम बता रहे हैं कि सरकार में नीतीश कुमार के वर्क में इसमें भी वर्क हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ वर्क बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इनमें एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पकड़ नहीं है। जहाँ आप जाइए वहाँ बगैर पैसा के कोई काम नहीं होता है। नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है लेकिन कुछ खामियां भी गिनाई। तो ये देखा आपने छपरा से एम फैक्टर, इसके बाद कहीं और चलेंगे और वहां ढूंढेंगे कि आखिर वहां का एम फैक्टर क्या है। लेकिन जाते जाते दो लाइनें मैं कहना चाहूंगा कि मैं कुर्ता पहनता हूं और वो हिजाबी है, मैं हिंदू धर्म का आदि हूं और मेरी सांसें मुसलमानी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।